सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज ना ही मेरी कोई ब्लॉग वीडियो है, ना ही मैं आज कोई आप लोगों के साथ मेकअप ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों को देने वाली हूँ। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को ये लिपस्टिक, आप लोग देख सकते हैं, इस लिपस्टिक का रिव्यू देने वाली हूँ जो मैंने अपने होठों पे लगाया हुआ है। ये ब्राउन शेड की लिपस्टिक है और ये एक ऑर्गेनिक लिपस्टिक है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस लिपस्टिक का राज क्या है। तो गाइस, मैंने ये लिपस्टिक cutetrope.com से मंगाया था और मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक हैं, हमारी होंठों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं और बहुत अच्छी ये लिपस्टिक है। मतलब ऑर्गेनिक चीजों से बनी हुई है। जैसे हम अगर कोई और लिपस्टिक लेते हैं, किसी ब्रांड की लिपस्टिक लेते हैं, तो उसमें काफी सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे होंठों को हार्म पहुंचा सकते हैं। बट ये ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है और ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता है। तो जो इस लिपस्टिक का नाम है वो है बारबा स्किन थेरेपी लिपस्टिक। हाँ जी, तो जब मैंने ये लिपस्टिक मंगाई थी, ये मैंने मतलब एक हफ्ते पहले ही मंगा ली थी, तो जब मैंने मंगाई थी तो इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके दिख रहा होगा आपको, ये टूटा हुआ मुझे मिला। मतलब जब मैंने इसे रिसीव किया तो ये कुछ इस तरीके से आया था, आप लोग देख सकते हैं, टूटा हुआ मुझे मिला था। तो मैंने कंप्लेन की कि भाई आपका प्रोडक्ट सही नहीं आया है, ये टूटा हुआ है, तो मैं इसे रिटर्न करना चाहती थी। बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो उन्होंने मेरे को दोबारा से, मतलब उसी प्राइस में मेरे को जो मेरा लिपस्टिक का शेड था वो उन्होंने मुझे दोबारा से भेज दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे घर पे ये कोरियर आया। तो ये है कोरियर, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये cutetrope.com से मुझे पार्सल आया हुआ है और अभी मैं इसको खोलूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करती हूँ गाइज। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से इसके अंदर इन्होंने कागज के टुकड़े डाले हुए हैं। इनको निकालने के बाद देखती हूँ मैं, ये देखो इतने सारे कागज के इसमें टुकड़े हैं। और ये है हमारी लिपस्टिक जो कि मुझे जस्ट अभी रिसीव हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे नाम लिखा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए। तो अभी मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये हमारी होंठों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये हमारी होंठों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, बहुत हमारी स्किन को, मतलब हमारे होंठों में जो हम कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारे होंठ एकदम से उतने सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं, हमारे होंठों में थोड़ा बहुत ड्राइनेस रहती है। लेकिन ये जो लिपस्टिक है, ये जो लिपस्टिक आप लोग देख रहे हो, ये लिपस्टिक बहुत बढ़िया लिपस्टिक है और हमारे होंठों को ये इतना ज्यादा सॉफ्ट कर देती है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैं इस लिपस्टिक को, जो इसका जो मुझे पहले रिसीव हुआ था, मे बी वन हफ्ते मैंने इसको यूज कर लिया है और बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट लगा। तो इसमें थोड़ा इफेक्ट आ गया था, इस वजह से उन्होंने मुझे ये दोबारा से ये भेज दिया है, इसी शेड का है, ये दोबारा से भेज दिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल के ये लिपस्टिक बनाई गई है और कैसे लिपस्टिक हमारे होंठों को हार्म नहीं पहुंचा सकती है। तो आइए आप लोग भी देखिए। तो गाइज, ये बहुत ही एक अच्छी लिपस्टिक है, आप लोग देख सकते हैं, बारबा स्किन थेरेपी लिपस्टिक कैलरी फाइट बटर, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ऑर्गेनिक लिपस्टिक है, ये हमारे होंठों को हार्म नहीं पहुंचाती है बल्कि हमारे होंठों को सॉफ्ट रखती है। ये एक क्रीमी फॉर्मुलेशन लिपस्टिक है, ये हमारे होंठों की नमी को तुरंत बंद कर देता है और हमारे होंठों को पूरा दिन मुलायम और कोमल बनाए रखता है। ये इसका मेन बेनिफिट हमारे होंठों के लिए होता है। ये ऑल स्किन टाइप होंठों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइज, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 380 इसका प्राइस है और जो मेरा शेड है वो है 408। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं गाइज, ये कैलिफ्राइड बटर यानी की काउ घी से बना हुआ है, गाइसिनिया इंडिको यानी कि कुकुम्बर बटर से भी बना हुआ है, बी स्वैक्स यानी कि मधुमक्खियों के शहद से बना हुआ है, कैप्रिलिक कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड इसमें डाले गए हैं, विटामिन ई इसमें डाला गया हुआ है, कर्नोवा वैक्स इसमें डाला गया हुआ है। और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं वे सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक हैं, ये हमारे
होंठों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं गाइस। इनकी अपनी वेबसाइट भी है, अगर आप लोग इनकी वेबसाइट से शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट यहाँ पर डाली गई है www.varvaskintherapy.com। ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात थी, और आप लोग देख सकते हैं जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो है कैलिफ्राइड बटर यानी कि काऊ घी, ग्राइसिना इंडिका यानी कि कुकम्बर बटर और बीस्वैक्स। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही ये लिपस्टिक बनी है जो कि ऑर्गेनिक है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री, पॉरोपिन ग्लाइकोल फ्री है, मिनरल्स ऑयल फ्री है। इसमें काफी सारे और ऐसी चीजें हैं जो कि इनमें नहीं डाले गए हुए हैं। चलिए अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को इसका शेड कैसा है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्मॉल लिपस्टिक में मिल जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं मिलता है, स्मॉल साइज है इसका, ही देख सकते हैं आप लोग। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो देखिए आप लोग, ये मेरा शेड है इसमें ब्राउन शेड, कुछ इस तरीके की लिपस्टिक आएगी। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो गाइज, अब मैं इस लिपस्टिक को अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा लिपस्टिक है। ये देखिए आप लोग, देखिए, देख रहे हो कितना प्यारा ये कलर है, और ये क्रीमी बटर कलर में, मतलब हमें अगर हम अपने लिप पे से लगाते हैं तो ये क्रीमी सा होता है। तो इसका जो कलर आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका कलर है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये ट्रांसफर होती है या नहीं होती है, तो ये ट्रांसफर होती है। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाती हूँ इसको, देखिए आप लोग, ये ट्रांसफर होती है, बट ये काफी लेट तक हमारे होंठों पे रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे लगाया और ये मिट जाती है, नहीं। अभी भले ये क्रीमी है, कुछ देर अगर आप लोग अपने लिप पे से लगा के छोड़ते हैं तो ये एक दो घंटे बाद खुद ब खुद मैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपके होंठों पे ये रहता है, और 6 या 7 घंटे तक आपके होंठों पे ऐसे का ही ऐसा ही रहता है। अभी भले ही लगाने में क्रीमी होता है, बट कुछ देर रखने के बाद ये ऑटोमेटिक मैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा गाइस ये लिपस्टिक है। ये बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कई बार, कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ है, ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है, बिल्कुल भी हमारी होंठों को हार्म नहीं पहुंचाता है, हमारे होंठ को सुंदर बनाए रखता है, कोमल रखता है, सॉफ्ट रखता है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी लिपस्टिक मिल जाए जो ऑर्गेनिक हो, जो आपके होंठों को हार्म न पहुंचाए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी वारवा की ये लिपस्टिक, ये स्मॉल लिपस्टिक ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये लिपस्टिक लेनी होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके इस लिपस्टिक को अपने लिए ले सकते हैं। सो मे बी गाइज, आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी अपने होंठों को बचाना चाहते हैं, आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग कोई केमिकल वाली लिपस्टिक अपने होंठों पे लगाए, तो ये ऑर्गेनिक लिपस्टिक आप लोग लीजिए और अपने होंठों पे लगाइए। तो चलिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो मे बी आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। बाय।